रणबीर जी, आपकी अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों से आप अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन राजनीति में हरियाणा में खासतौर से अपने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार तो आप गठबंधन में भी हैं, बीएसपी के साथ आपने गठबंधन किया है। किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले चुनावों को, और क्या तैयारियां हैं इस बार जनता के बीच उतरने की? हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि अभी हमारा गठबंधन बीएसपी से हुआ है, तो आज हरियाणा प्रदेश के लोग केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, बराड़ा साहब की पार्टी ने केवल जो वायदे किए वो केवल जुमले साबित हुए, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का राज रहा वो भी लोगों ने देखने का काम किया। निश्चित रूप से आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का है, हमारी पूरी के बीच रहते हैं तो विश्वास क्यों नहीं जीत पाते हैं फिर पिछले 10 सालों की अगर बात करें हम? आने दो, अभी चुनाव आएगा और आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी निश्चित तौर के ऊपर। जिस तरीके से पीछे की बात हम करें, के साथ एक बात कहूंगा, आप सुनने का वादा तो रखें। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की तरफ जनता देख रही है, बहुत अच्छी बात कही है, ये भी देख रही होगी, और बता दो आने वाला समय की तरह वो टूटेगा कब, ये जिस तरीके से आपने लोगों से वायदे किए थे और वो हर वायदा आपका जुमला हो गया, अब आप जनता के बीच में जाओगे तो आपको जनता से जवाब मिलेगा। अभी समय आ गया है, अभी आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद में कहीं भी उपचुनाव हुए हैं तो लोगों ने इनको धरातल दिखाने का काम भी किया है, और वही हालात आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी होगा आने वाले समय के। ठीक कह रहे हैं, उपचुनाव की बात इन्होंने की है या इस तरह की चुनाव की बात की है हरियाणा के अंदर, जितने भी कहा कि एक मिनट सुनिए, आप नहीं, आपकी बात जोड़ रहा हूँ मैं, एक बार रणबीर जी आज आपकी बात जोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जितने भी चुनाव आए, चाहे वो कॉरपोरेशन के आए, चाहे वो स्थानीय निकाय के या पंचायती राज के, सब में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, रिकॉर्ड की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो धक्के से उनको ज्वाइन करवाने का काम किया, धक्के से जीते दूसरी पार्टी के या इंडिपेंडेंट, सब कुछ सामने है, ये मन बहला लो, आप ये बात नहीं करके कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, मन बहलाओ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव, ये बात कह करके।